नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान अस्थि कलश यात्रा बिजनौर के गंगा बैराज पहुंची, जहां पर शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा में सैकड़ों किसानों ने श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर में शहीद हुए किसानों के मामले में जहाँ पूरे देश में किसानों में उबाल देखने को मिला था, तो वहीं इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टोनी के बेटे आशीष मिश्रा व उसके समर्थकों पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था। इस हत्या के बाद किसानों में प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला था। वहीं भारतीय किसान यूनियन के किसानों द्वारा किसान अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के तहत किसान अस्थि कलश यात्रा आज बिजनौर के गंगा बैराज पर पहुंची है। इस कलश यात्रा में किसान सहित भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता दिगंबर सिंह भी मौजूद रहे। सभी किसानों ने लखीमपुर में शहीद हुए किसानों की अस्थियों का विसर्जन पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा बैराज घाट पर किया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।